क्वेश्चन 1.A.B. व्हाट इज द कंडीशन ऑन ए सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पोजेस इनफिनिट सॉल्यूशंस. सो दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज वन अदर इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन. सो इसे सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले गिवन में, ठीक है, गिवन में ये जो तीनों इक्वेशंस है ना वो एक एक करके लिख दो, एक दो तीन ऐसे करके इक्वेशंस लिख दो. ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो जगह ले लेगा और टाइम भी बहुत जाएगा. तीनों इक्वेशंस हमने लिख दिए यहाँ पर. इसके बाद उसका एक मैट्रिक्स बनाना है हमें. सो कुछ इस तरह से एक्स, हाँ, 1, 2, -3, ओके, 1, 2, -3, देन 4, 1, 5, ओके, एंड 3, -1, a² -1. ठीक है, एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू, एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू 2, 2, ओके, 2, 2 एंड a - 3. करेक्ट, इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को, या हाँ, इस इक्वेशन को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया. अब हमें बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. सो चाहे तो इस तरह से लिख सकते हो एक्स बी, ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1, 2, -3, 2, 4, 1, 5, 2, 3, -1, a² -1, a - 3. ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने. ऑल राइट, तो ये लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, ये लाइन बनाना मत भूल जाना. ठीक है, क्योंकि मार्क्स चले जाएंगे इसका, इस लाइन का अगर ना हो तो फिर वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा. ठीक है, तो बन गया जैसे. अब इसको रिड्यूस करो एक लाइन फॉर्म तक. ओके, रिड्यूसिंग टू एकलॉन फॉर्म. कैसे करना है रिड्यूस? जैसे हम जनरली करते हैं. सो 1, 2, -3, 2, ओके, 1, 2, -3, 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 5, 2 एंड 3, -1, ओके, 3, -1, a² -1, a - 3, 3, -1, a² -1, a - 3. डन. इसके बाद इन दोनों को पहले निकाल देते हैं. सो r2 -4 times of r1, r3 -3 times of r1, ओके, डन. सो क्या आएगा फाइनली, 1, 2 -3, 2, देन 1 - 4 is 0, 4, 8, 1 - 8 is -7, ओके, 12, 17, डन. देन 4 से मल्टीप्लाई करें तो -8, 2 - 8 which is -6, ओके. फाइनली 3 तो 0, -1 - 4, ओके, -1 - 3, सो -1 - 6 is -7, देन a² - 1 + 9, ओके. यहाँ पर क्या आ रहा है, -3 - 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो +9 आ रहा है, तो a² - 1 + 9 क्या आता है, a² - 1 + 9, a² + 8, करेक्ट, a² + 8 ही आएगा ना. सो ए और -6, a - 3, सो इट इज़ a - 9, ओके, डन. ऑल राइट, नेक्स्ट, अभी केवल लास्ट रो बाकी है. सो r3 - r2, ओके, सो 1, 2 - 3, 2, देन 0 - 7, 17 - 6, देन 0, 0, a² + 8 - 17 विल बिकम a² - 9, एंड a - 3 + 6 बिकम्स a - 3. ठीक है, ये हमें फाइनल मैट्रिक्स मिल चुका है. अब इन दोनों का हमें सॉल्व करना है. तो अभी देखो, फॉर हमें क्या चाहिए, इन्फिनाइट सोल्यूशन चाहिए ना, इन्फिनाइट सोल्यूशंस. फॉर इन्फिनाइट सोल्यूशंस मैट्रिक्स, ओके, रैंक, ठीक है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ओके, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है, शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए,
और ये दोनों कम होने चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स। तो रैंक मतलब क्या है कि इन दोनों के इक्वल क्यों होना है, क्योंकि कंसिस्टेंट तो बनना है ना पहले, कंसिस्टेंट ना हो तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। और कंसिस्टेंट बनने के बाद उनको नंबर ऑफ़ अननोन्स से कम होना चाहिए उसका रैंक, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं, तीन है, एक्स वाई एंड जी, थ्री नंबर ऑफ़ अननोन्स और थ्री नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, चलेगा। तो हमें इसके रैंक को तीन से कम करना है, इसके रैंक को तीन से कम करना है। अभी तीन से कम करें तो कैसे करें, इस लास्ट रो को पूरा ज़ीरो बना देना पड़ेगा, इसको भी ज़ीरो करना पड़ेगा, इसको भी ज़ीरो करना पड़ेगा। नहीं तो अगर केवल इसको ही ज़ीरो करें तो फिर ये रैंक ए इज इक्वल्स टू, रैंक ए इज इक्वल्स टू टू तो बन जाएगा, लेकिन पूरे इसमें रैंक ए स्लैश बी तो थ्री हो जाएगा, तो को तो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें ए स्क्वायर, देयर फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो एंड ए माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। सो देयर फोर ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री, करेक्ट, ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री एंड ए इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो हमें प्लस माइनस थ्री तो हम नहीं ले सकते, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ थ्री लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम माइनस थ्री ले तो माइनस थ्री विल बिकम माइनस सिक्स, ओके, ये तो ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस सिक्स हो जाएगा, और अगर ये माइनस सिक्स हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसलिए देयर फोर ए इज इक्वल्स टू थ्री इज द फाइनल सोल्यूशन, ओके, इस तरह से अंडरलाइन, ठीक है। तो देख लिया ना किस तरह से लिखना है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।